हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और मैं आप लोगों के बीच स्केचिंग पेंटिंग के ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आती हूँ। जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल समय है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, तो इस टाइम को, इस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में ले और अपने हिडन टैलेंट को, अपने हिडन स्किल्स को टाइम देने का, उसको फिगर आउट करने का आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। देखा जाए, आर्ट एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपने को स्ट्रेस फ्री करने का या स्ट्रेस लेवल कम करने का, और समय ऐसे ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन वीडियोस में, जो अभी मेरे वीडियोस आ रहे हैं, तो मेरे पास भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज बाकी रह गए हैं। तो हमें भी एक्चुअली पता नहीं था कि इतना लंबा ये जाएगा, तो हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज बाकी रह गए हैं। इन वीडियोस में मैं ये दिखाऊंगी कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स के साथ कैसे ड्राइंग्स को बनाया जाए। ऑल्टरनेटिव्स भी काफ़ी दिखाई देंगे इन वीडियोस में। तो आज की वीडियो में जो जो मैंने मटेरियल यूज़ किए हैं वो भी लिमिटेड है। अगर बात करें पेंसिल्स की, तो तीन टाइप के पेंसिल्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें। एच बी है, ये एच बी पेंसिल नटराज का, देन 8B एंड 10B अप्सरा का पेंसिल है। ये तीनों पेंसिल्स यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे पास 6B नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट 8B और 10B से बनाया है। तो आप लोगों के पास भी अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं शॉप्स के ओपन होने का, तो डोंट वेट, ये वीडियो देखिए और जानिए कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं अपने स्केचिंग को। और मैंने यहाँ पे ब्रशेस यूज़ किए हैं, पेंट ब्रशेस, क्योंकि मेरे पास स्मजर नहीं था तो मैंने पेंट ब्रश का यूज़ किया। आप स्मच करने के लिए घर में अगर ईयरबड है तो ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे स्टम यूज़ किया है फॉर ब्लेंडिंग, इरेजर यूज़ किया है मैंने, एंड कॉटन क्लॉथ का भी यूज़ किया है फॉर स्मचिंग। तो इस वीडियोज़ में मैंने इतने ही मटेरियल यूज़ किए हैं। तो आज के वीडियो में मैंने 3D वाटर ड्रॉपलेट बनाया है, वेरी सिंपल है, बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। सो लेट्स बिगिन।